हाय, हाय। आज हम आपको कंट्री कुक का हेल्दी एंड ट्रेडिशनल कुकवेयर दिखाएंगे। और अभी आप गेस नहीं कर पाएंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अभी जस्ट ये डिलीवर हुआ तो हमने सोचा आपको बताएं कि ये कैसा है। तो ये इस डिब्बे में आया था और ये एक ग्रिल पैन है, इस पे ये कवर भी है, इसको मैं निकालती। जो टेम्पर्ड ग्लास का लिड है और एक होल है ताकि जो भी गैस हो वो बाहर निकल सके। नेक्स्ट ये है पैन, पैन कुछ इस टाइप से दिख रहा है और इसमें दो होल्डर्स दिए हुए हैं। ये लग रहा है सिलिकॉन का बना हुआ है ताकि आप यहाँ पे लगा लें और इसका इस्तेमाल कर सकें। ये सेम एकदम से कास्ट आयरन का ही है और ग्रिल पैन है, मतलब आपको कुछ ग्रिल करना हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्ट आयरन के हमने काफ़ी चीज़ें यूज की हैं कुकवेयर्स, लेकिन ये अभी हमारा पहला एक्सपीरियंस है इसको यूज करने का। तो जस्ट अभी हमारे पास आया है। और ये हमने अमेजोन से लिया है और इसका प्राइस करीब हमें पड़ा है 2300 के आसपास। 2300 के आसपास। तो ये सिलिकॉन का है, होल्डर टाइप से है हाँ, ताकि आप यहाँ पे ऐसे लगा लें, जब ये गर्म हो तो आप ऐसे उठा उठा सकें। सकें और रख सकें। और इसका वेट करीब करीब 2.5 किलो के आसपास है। और ये यहाँ पे वर्टिकल लाइंस बने हुए हैं, आप ग्रिल देख करने के सकते लिए हैं। हाँ, और इसका साइज हमने इस साइज का इसलिए लिया क्योंकि हमारे ओवन में इसको अच्छे से रख सके, और ताकि अगर कोई नॉन वेज या वेज हम ग्रिल कर रहे हों तो ओवन में डायरेक्ट डाल सके, तो इसलिए हमने इसको काफ़ी सोच समझ के लिया है। अब अगर इस पे कैप लगा दें तो ये कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। तो उसकी फिटिंग ऑलमोस्ट परफेक्ट है। स्टीम इतने में तो आसानी से ट्रैप हो जाती है। हाँ, और हमारे कास्ट आयरन के जो भी कुक वेयर हैं उनका खास बात यह है कि हम काफ़ी उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे ब्रेड सेकना हो, सुबह का जो भी ब्रेड सेक रहे हैं तब भी सेक लेते हैं, और कभी अगर चिकन इस पे सेकना हो तब भी हम सेक लेते हैं। और इसका इस्तेमाल हम मेनली इंडक्शन पे करते हैं, हम गैस पे अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो इंडक्शन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। इसका बॉटम एक बार देखें, अगर हाँ, और वेट है काफ़ी। बॉटम इस तरीके से है, प्लेन है लगभग, और इसकी सरफेस थोड़ा खुरदरी होती है, हमेशा कास्ट आयरन की होती है। अगर आपको लगेगा खुरदरी सरफेस की वजह से फूड इसमें चिपकेगा तो ऐसा नहीं है, उसके वजह से कांटेक्ट सरफेस कम हो जाती है और वो काफ़ी अच्छा क्रंची हो नॉनस्टिक, हाँ जाता है। नॉनस्टिक का काम करता है, खूब और चिपकता नॉन है। स्टिक के साथ ये था कि नॉन स्टिक के जो भी कोटिंग होती है उसको कहा जाता है कि वो टॉक्सिक होता है, डिफरेंट टाइप के न्यूरो डिजनरेशन वाले डिजीज कास्ट करता है। इसी को सोच के हम कास्ट आयरन इस्तेमाल करने लगे हैं, और अभी जब जितना भी हमने यूज किया है तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो अभी हम ये नया लिए हैं और इसको हम इंडक्शन पे और ओवन पे यूज करेंगे ताकि इसको हम देख सकें कि किस टाइप से ये परफॉर्म करता है। हालांकि अभी हम गैस पे नहीं यूज करेंगे, लेकिन ये गैस पे तो आ ही जाएगा। बिल्कुल। और ये जो है इसके साथ लाइफ टाइम वारंटी आती है, अगर आप परचेज करेंगे तो ये तो कार्ड ये मिलेगा एक कार्ड भी दिया है जिसमें उन्होंने। प्रोसेस उन्होंने बताया कि कैसे लाइफ टाइम वारंटी आपको मिलेगी। उसके अलावा एक और इसमें मैनुअल मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि क्या है ये और कैसे इसकी सीजनिंग करें और अगर सफाई कैसे करें और अगर रस्ट लग जाए तो क्या करें। इसमें रस्ट लग सकता है अगर आप सही से मेंटेन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत आसान है। हमारे कास्ट आयरन को हम जानते हैं कैसे हमें सीजनिंग करनी होती है, कुछ भी हम बनाने के बाद अगर उसको धुलना पड़ता है कभी तो हम तुरंत उसकी ऑयलिंग करके उसको ओवन में हीट कर देते हैं, तो यही हाँ, बेस्ट तरीका है। और ये जिस टाइप से एकदम से सर्टिफिकेट वगैरह दिए हैं और जिस टाइप से फिनिशिंग भी अच्छे से करके दिए हैं, तो मुझे एकदम से ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंडियन ओरिजिन का प्रोडक्ट है, मुझे लगा एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है। बिल्कुल लॉज वाली क्वालिटी हाँ में, लॉज एक अमेरिकन ब्रांड है जो कि काफ़ी फेमस है कास्ट आयरन के बर्तन बनाने के हाँ लिए। तो देखिए, अगर आप देखें ना, इसकी थिकनेस जो है काफ़ी प्रॉपर है और प्लस इसकी सैंडिंग यानी कि किनारों में कहीं स्क्रैच पार्ट है, जबकि अगर आप कोई अदर इंडियन ब्रांड जैसे इंडस वैली या ट्रिलोनियम देखें तो उनमें थोड़ा थोड़ा सा फिनिशिंग कम होती है। ऐसा नहीं कहेंगे उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, लेकिन फिनिशिंग थोड़ा कम होती है, लेकिन इसकी फिनिशिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लॉज के कंपेरिजन वाली फिनिशिंग है इसकी। और इसको एकदम से आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि इंडियन ओरिजिन का, एकदम एक्सपोर्टेड ही लग रहा है देखने तो आप बारीकी से देख लीजिए इसकी सरफेस कैसी है। में। बना लेंगे, अच्छा बना है, इंडिया में ही हाँ, रह के और अच्छा मेरा लग रहा पाम जो है इसमें आसानी से आ जाता है, उसके अलावा काफ़ी स्पेस है है। इसका। यहाँ से यहाँ तक जो है वो 26 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ जो है 33,
सेंटीमीटर है सामने साइज नाप के लिए है, ताकि हमारे ओवन में फिट हो सके। और मेनली हम इसमें सैंडविच बनाएंगे और चिकन को भी फ्राई करेंगे और जो भी नॉनवेज है फिश वगैरह भी इसमें हाँ इसके ग्रिल हम करेंगे, इसमें ग्रिल करेंगे। वेजिटेबल्स भी ग्रिल करेंगे और अगर हम। हमें मौका मिला बाहर कुक करने का लकड़ी पे तो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे ले जाके। तो मेरे ख्याल से आप भी इस्तेमाल कीजिए अगर आपको पसंद आए आयरन के जो भी बर्तन हो, जो हमारे टाइम बहुत पुराने टाइम में यूज किया जाता है उस टाइप का, अगर आपको पसंद हो कि पुराने टाइप के बर्तन यूज करें घर में तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसको रिकमेंड करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।